गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने हमारी पोएम जो है ए फोटोग्राफ, इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। इसमें ये जो हमारी पोइटेस हैं, इन्होंने अपनी मम्मी की फ़ोटो जो है, जो बचपन की है, जिसमें उनकी टू कज़न्स भी थी, उसे ढूंढ लिया कुछ काम करते करते, और उसके बारे में वो सोच रही थी। हमने इसमें ये भी देखा कि उनकी मम्मी जो थी वो उस टाइम पे 12 इयर्स की थी, और सी साइड पे अपना हॉलीडे वो मना रही थी। अब इसके आगे देखिए, हम नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। सम 20-30 इयर्स लेटर, अब पोइट्रेस लेखिका कह रही है, कुछ 20 या 30 साल के बाद शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। इस फोटो को देखकर मेरी माँ जो थी वो हंस रही थी सी, और फिर मुझे भी दिखा रही थी। भाई 20-30 साल बाद में लेखिका भी हो चुकी थी ना, इसलिए लेखिका को दिखा रही थी। तो वो अपना पास्ट बता रही है लेखिका कि माँ ने जब ये फोटो देखी तो वो हंस रही थी और कह रही थी, देखो बेटी एंड डॉली को देखो कैसे दिख रही हैं, जो मेरे पास में खड़ी हैं। शी हैड से, और वो यह भी कह रही थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, देखो इनकी क्या पोशाक है, किस प्रकार की पोशाक पहन के ये बीच पे आई है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, अब ये जो सी हॉलीडे था, समुद्र के किनारे जो छुट्टियां मनाने का इनका जो विचार था, वो इनका पास्ट था, भूतकाल था ना। लेखिका कह रही है कि माँ का भूतकाल था। माइन इज हर लाफ्टर, पर मेरा भूतकाल क्या था, मेरा भूतकाल मेरी माँ की वो हंसी थी, जो वो 20-30 साल बाद फोटो को देखकर मुस्कुरा रही थी। तो मेरे लिए तो वही मेरा भूतकाल है। बोथ वेरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बट अब हम दोनों ही चिंतित हैं अपने द्वारा, और चिंतित हैं और अपने द्वारा प्रयास कर रहे हैं उस लॉस को, वो जो क्षति, वो जो कमी, वो जो समय चला गया है, उसको पूरा करने का। जैसे माँ का समय चला गया है बचपन वाला, और मेरा समय चला गया है कि अब माँ इस दुनिया में नहीं है, तो अब उनकी वो जो हंसी है वही मेरे लिए क्या हो गई, यादगार हो गई, और इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ उसे अपनी यादों में सजाने की। और माँ यहाँ पे कोशिश किसकी कर रही है, अपने वही चाइल्डहुड को, बचपन को याद करने की, कि काश वो समय होता है ना, हम भूतकाल को याद करते हैं, बस वही इन्होंने बताया है। नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब लेखिका थर्ड स्टैंजा में कह रही है, अब मेरी माँ जो है वो मर चुकी हैं, नियरली एज मैनी ईयर्स, और करीब काफ़ी साल हो गए हैं एज दैट गर्ल लिव्ड, पर फिर भी वो जो लड़की है जो उस फोटोग्राफ में है आज भी जिंदा है। एंड ऑफ दिस सरकमस्टांसिस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इस परिस्थितियों में कुछ भी कहने के लिए नहीं है, क्योंकि फोटो देखते ही मुझे अपनी माँ याद आ जाती हैं, वही 12 इयर्स याद आ जाते हैं, मौसी याद आ जाती हैं, उनके द्वारा हंसी 20-30 साल बाद जो उनके द्वारा हंसी थी वो याद आ जाती हैं, और मेरी माँ मुझे फिर से याद आ जाती हैं। तो इसलिए क्या कह रही हैं, एंड ऑफ दिस सरकमस्टांसिस, इस परिस्थिति में जब मेरी माँ गुजर चुकी हैं, इस दुनिया में नहीं है, देर इज नथिंग टू से एट ऑल, तो अब मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि वो तो दुखी हो गई हैं, कह रही हैं कि इतनी दुखी हूँ कि अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। इट्स साइलेंस साइलेंस, केवल और केवल मेरे पास क्या है, शांति है शांति है, क्योंकि अब ना तो मेरी माँ के मुझे कुछ कहेंगी, और ना ही मैं उनके बारे में कुछ कह पाएंगी क्या, माँ के हंस पाएंगी क्या, नहीं ना, तो बस यही कह रही हैं। चलिए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसको भी रीड करते हैं। इन द सेकेंड पार्ट में, इन हर ओल्डर डेज, जो कि उनके ओल्डर डेज थे, भूतकाल के दिन थे, हर मदर लुक्स बैक, उनकी माँ फोटो देखकर क्या करती है, भूतकाल में चली जाती है।
द डे एट द सी, वही भूतकाल वाले दिन में जब वो सी साइड पर गई थी। मोर ओवर शी रिमेंबर्स हर टू कजिन्स, साथ ही साथ उनको उनकी दो बहनें भी याद आती हैं। एंड रिकॉल्स द डे मेमोरलाइज इन द फोटोग्राफ, और साथ ही साथ फोटोग्राफ को देखकर वो सभी उस दिन की सारी बातें जो होती हैं वो उनको याद आ जाती हैं जो भी उन्होंने अपनी बहनों से की थी। ऑल्सो शी मेक फन ऑफ हर एंड कजन्स आउटफिट, साथ ही साथ वो अपने और अपनी कजन्स के साथ जो उन्होंने फन मज़ा किया था, जो भी क्रियाएं की थी, गतिविधियां की थी, उनके और कजन्स के आउटफिट कपड़ों के बारे में क्या करती हैं, बात करती हैं, मजाक बनाती हैं उनका। दीज लाइन्स हैव ए टोन ऑफ सैडनेस, ये लाइन जो है वो एक दुख की भावना को प्रदर्शित करती है। एज द मदर ट्राइज टू एक्सेप्ट द कंटिन्यूअल मोशन ऑफ लाइफ एज शी ग्रोज ओल्डर, क्योंकि उनकी माँ जो है वो इसको स्वीकार करने की कोशिश करती है कि उनके जीवन की ये जो ग्रोज ओल्डर, वो जीवन जो उनका 20-30 साल का गुजर चुका है वो कंटिन्यूअल मोशन में है, उनका जीवन आगे से आगे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और कंटिन्यूअल मोशन जो कर रहा है, लगातार जो उसमें गति होती जा रही है उनके जीवन में, उनके साल में वृद्धि जो होती जा रही है, तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा बूढ़ी होती जा रही हैं। इस बात को स्वीकार करने की कोशिश करते हुए वो एक दुखी अंदाज में कहती हैं, मतलब भूतकाल में देखती हैं, फोटो को देखकर मुस्कुराती हैं। लुकिंग बैक एट हर 12 ईयर्स ओल्ड सेल्फ, और अब अपनी 12 साल की जो उनकी तस्वीर है उस तस्वीर में खुद को देखकर, मे बी वॉज एन अटेम्प्ट टू रिटर्न टू हर चाइल्डहुड, शायद वो अपने बचपन में वापस जाने का प्रयास कर रही हो, विच इज़ ए पेनफुल रिमाइंडर ऑफ टाइम एंड एज, जो कि समय और उम्र की वजह से एक बहुत ही दर्द भरी याद उसके लिए हो चुकी हैं, क्योंकि अब बचपन में जाना केवल एक सोच ही रह गई थी, 30 साल बाद में बचपन में फिर से जा सकते हैं क्या, नहीं ना, तो वो केवल और केवल प्रयास कर रही थी, और उस प्रयास की वजह से उनको क्या हो रहा था, पेन हो रहा था, दर्द महसूस, एक प्रकार से वो दुखी हो रही थी। अब देखिए थर्ड स्टैंजा, इन द थर्ड पार्ट, थर्ड स्टैंजा में द पोएट इज रिमेम्बरिंग हर मदर, कवियत्री जो है अपनी माँ को याद कर रही है, एज शी डिड डाइड अर्लियर, क्योंकि वो कुछ समय पहले गुजर चुकी हैं। फर्दर द फोटो स्क्रिप्ट ए मेमोरी फॉर बोथ, और आगे वो कहती हैं कि ये फोटो जो है ये उनके लिए और उनकी माँ के लिए एक यादगार वस्तु थी। एंड इट एज इट नॉट्स द मदर एंड डॉटर टुगेदर इवन आफ्टर हर मदर हैज लेफ्ट हर फॉर फॉरएवर, और आगे वो कहती हैं कि ये जो फोटोग्राफ है ये उनकी माँ और उनके बीच में एक क्या है, एक गांठ है, एक बंधन है, जो कि हमेशा हमेशा के लिए जब उनकी माँ उनको छोड़कर जा चुकी है तब भी उनके साथ है, मतलब माँ से जो जुड़ाव है इस फोटोग्राफ की वजह से वो जो यादें उनको याद आ जाती हैं, वो जो बात उनकी हंसी जो उनको याद आ जाती हैं, वो सभी क्या है, उनकी माँ से उनको नॉट्स जोड़े रखता है। तो वो कह रही है हमेशा के लिए माँ चली तो गई हैं पर इस फोटोग्राफ की वजह से मैं उनके साथ हमेशा जुड़ी हुई हूँ। द पोएटेस कन्फेस दैट, यहाँ पे कवियत्री कन्फेस करती हैं, ये बात स्वीकार करती हैं कि द फोटो ब्लिस एट इमेजिनिंग हर मदर्स लाफ्टर मच लाइक हर मदर डिलाइट इन रिमेम्बरिंग द डे एट द सी। कवियत्री कह रही हैं, स्वीकार कर रही हैं कि इस फोटो को देखकर मैं केवल कल्पना कर सकती हूँ कि जिस समय मेरी माँ सी साइड के दिन को याद करके खुश हुई थी, वही खुशी मैं भी इस फोटो को देखकर अपने मन में कल्पना करके खुश हो सकती हूँ ना। तो
मैं भी यही काम करूंगी क्योंकि उनकी फ़ोटो जो है मेरे लिए यादगार है। तो अब मेरी माँ को याद करके मैं भी हंस सकती हूँ कि मेरी माँ इस प्रकार से हंसी थी। भाई भूतकाल की कोई बातें होती हैं ना जो हमें बहुत हमेशा हमेशा याद रहती हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो बस उनकी माँ की जो हंसी थी, जो वो फ़ोटो देखकर हंसी थी, अपनी बहन का मजाक बना रही थी, उनके आउटफिट्स का मजाक बना रही थी, तो वो हंसी आज भी लेखिका कह रही है कि मैं जब भी फ़ोटो देखूंगी तो मुझे ये चीज़ याद आ जाएगी। ऑल्दो द डेड और एंड मेक्स थिंग गो क्वाइट एंड एम्प्टी, यद्यपि मृत्यु की वजह से या किसी चीज़ के अंत की वजह से, जीवन के अंत की वजह से क्या होता है, सभी वस्तुएं जो होती हैं शांत और खाली खाली हो जाती हैं। मतलब माँ के बाद जीवन खाली हो गया ना, माँ की जगह खाली हो गई। हाउएवर फिर भी द पोएटस फाइंड हर मदर डाइड टू बी लाउड एंड इंस्पायरिंग इनफ टू पावर हर फीलिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रिब्यूट एंड पोयम। पर फिर भी पोएटस जो है वो कह रही हैं कि उनकी मदर की जो मृत्यु है वो उनके लिए एक प्रकार से क्या है, इंस्पायरिंग है, प्रेरणा देने वाला है, क्योंकि ये प्रेरणा उनके द्वारा हर फीलिंग्स आउट, अपनी इस जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं के रूप में यह उनको एक ट्रिब्यूट देना चाहती हैं, श्रद्धांजलि देना चाहती हैं। और इस कविता के माध्यम से वो सारी अपनी इंस्पिरेशन जो है अपनी माँ को दे रही हैं, और साथ ही साथ क्या कर रही हैं, उनको अपने विचारों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रख रही हैं। दस इवन दो दैट फिनिश, यद्यपि इसलिए मृत्यु जो है वो फिनिश कर देती है एवरीथिंग, सभी चीज़ों को, बट हर मदर डेथ ब्रिंग्स आउट ए न्यू रिस्पॉन्स इन हर, परंतु उनकी माँ की जो मृत्यु हुई है उस मृत्यु की वजह से उनके अंदर, लेखिका के अंदर एक नया उत्तरदायित्व आया है। लास्टली शी एक्सेप्ट, और अंत में वो स्वीकार करती हैं कि हर रेजिग्नेशन टू द फाइनल साइलेंस ऑफ डेथ, कि उनकी मृत्यु हो गई है, मीन्स उनकी मृत्यु जो है एक प्रकार से अंतिम चुप्पी लेकर आई है। मतलब माँ अब दोबारा नहीं बोलेंगी, पर फिर भी वो इस पोयम के माध्यम से अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखेंगी। इन कंक्लूड, और निष्कर्ष के रूप में वो कहना चाहती हैं, शी वॉन्ट्स टू से दैट, वो कहना चाहती हैं कि डेथ इज अनअवॉइडेबल, कि मृत्यु जो है उसे नकारा नहीं जा सकता है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। सो इम्ब्रेस योर लाइफ, क्योंकि ये आपके जीवन का एक सत्य होता है। तो यहाँ पर लेखिका अपनी माँ से बहुत प्रेम करती हैं और अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर उनके लिए उन्होंने पोयम लिखी। और जो बात उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी उस बात को उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।